गाइस वेलकम टू माय चैनल खान फरा 27। तो आज मैं अपना फर्स्ट योगा वीडियो बना रही हूँ जो मैं नेक शोल्डर और आर्म्स के लिए बना रही हूँ। जिसको सिर को भी नेक में शोल्डर में या आर्म्स में पेन है या आपको टोन करना है अपना नेक शोल्डर आर्म्स घर पे रहते हुए तो आप ये सिंपल योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है योगा स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि पहली है आप कुछ खा के योगा नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स का गैप देना है। और योगा के बाद आप अपना जो नॉर्मल डाइट है वो कर सकते हो, पर योगा स्टार्ट करने से पहले 2 आवर्स का आपको गैप रखना है, 1 मैक्सिमम 2। और सेकेंड है कि आप कंफर्टेबल प्लेस ढूंढिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो, एयर आए जाए, कोई भी ऐसी जगह ना हो जो कम्प्लीटली जो पूरी पैक हो। एटलीस्ट एसी हो, या तो एसी नहीं हो, फैन हो या विंडो हो, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर प्लेस हो। थर्ड, कपड़ा जो आप ड्रेस पहन रहे हो अनकंफर्टेबल ना हो, ज्यादा फिट ना हो। मैंने जो पहना है ये स्ट्रेची है, जो ज्यादा फिट ना हो। जैसे कुछ लोग आप टाइट सलवार या चूड़ीदार में या कमीज पहन के योगा करेंगे तो आपको आप अनकंफर्टेबल रहोगे हर चीज में। तो आज हम अपना फर्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं वो शोल्डर आर्म्स और नेक के लिए, तो आप पूरा वीडियो देखिए। मैं तो सबसे पहले आपको पद्मासन पोज में बैठ जाना है। आप रिलैक्स होके भी बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी। आराम से बैठिए, अपने शोल्डर के एक साइड अपने शोल्डर को देखिए अपनी आंखों से। 10 सेकंड होल्ड अप, 10 सेकंड होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, 10 सेकंड होल्ड, दूसरे शोल्डर को, ब्रीथ इन, 10 सेकंड होल्ड। 10 सेकंड होल्ड मतलब अपने मन में 10 सेकंड काम करना है। अगेन अप, ब्रीथ इन करना है, अप डाउन, ऐसा आप पूरा चक्र एक बार कर सकते हैं, 1 से 2 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं। जो नंबर 2 एक्सरसाइज है उसमें आपको अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, होल्ड करना है, सांस को रोकना है, 10 सेकंड काउंट करना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर वापस आपको अपने आर्म्स को होल्ड करना है पीछे, स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स। नंबर 3 में आपको अपने हाथों को अपने सर पे साइड्स पे रख के प्रेस करना है, आपका हेड नहीं हिलना चाहिए, रिलैक्स होना है। अगेन ब्रीथ इन, होल्ड 10 सेकंड, रिलैक्स। हर आसन हर पोज आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। 4th आसन में आपको अपने हाथों को टैंगल करके पीछे ले जाना है, हेड पे आगे लाके इस तरह स्ट्रेच करना है, रिलैक्स, स्ट्रेच, ब्रीथ इन, रिलैक्स। 5th आसन में आपको अपने हाथों को इस तरह आगे पीछे लाके करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। 6th में इस तरह आपको अपने हाथों का मूवमेंट करना है, आगे पीछे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, होल्ड नहीं करना है, बस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। नंबर 7 में आपको अपने हाथों को इस तरह टेंगल करके आगे लाना है, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, ब्रीथ इन, अप, हेड अप रहेगा, सीलिंग को देखेगा, 10 सेकेंड, देन सेम हाथों को इस तरह टेंगल करके पीछे रखना है, सीलिंग को देखना है, ब्रीथ इन होल्ड करना है, 10 तक काउंट करना है, फिर रिलैक्स होना है। ये आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। जो नंबर 8 एक्सरसाइज है उसमें अपने एक हाथों से अपने हेड को इस तरह स्ट्रेच करिए, नेक को स्ट्रेच करिए, नेक के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेचिंग है। इस तरह स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 10 सेकंड, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट स्लोली स्लोली, यहाँ पे बहुत प्रेशर आएगा जो बहुत अच्छा है। फिर हम अपने नंबर 9th एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें सर्कल बनाना है, अपने हाथों को मोड़ के 10 तक काम करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए। फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है पीछे की तरफ, 10 1 2 करके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये जो अभी करवा रही हूँ हाथों को आगे लाके इस तरह से हथेलियाँ खोलना बंद करना है, 10 तक करना है, ये फिर 10 तक बिना रेस्ट लिए अपने हाथों को इस तरह घुमाना है, फिर हमें आगे पीछे करना है 10 तक, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 10 तक। ये जो था ये पूरा एक सेट होता है, ये एक साथ ही करना है हमें। जो नेक्स्ट है उसमें हाथों को इस तरफ टेंगल करके अपने फोरहेड पर रख के स्ट्रेच करना है, ये नेक के लिए बहुत अच्छा है, होल्ड ब्रीथ इन करके होल्ड करना है और स्ट्रेच, फिर रिलैक्स होना है, ऐसा आप 1 से 2 बार कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें आपके शोल्डर को आपको इस तरह से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 10 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट.